శ్రీహరికోట లో PSLV ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగిస్తున్నారు ఇప్పుడు లైవ్ లో చూద్దాం 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 plus 1 plus 5 seconds to normal T1 tracking P3 tracking P2 tracking सफलतापूर्ण उत्थापन अभी हमने देखा, गर्जना करता हुआ PSLV C53 आकाश में। आप देख सकते हैं कितना साफ नजारा है, बहुत ही रोमांच भरा नजारा। That's a marvelous lift off. And the PS-1 performance is according to the expectations for this mission. First stage performance normal. Pratham charan ka nishpadan samanya. Sharon is in main auto. Plus Sharon is in main auto. Apni uddesht kaksha ki or badhta hua PSLV C53. Thrust developed during the firing of first stage is 4,800 kilonewtons. Auto tracking SCBT-1. यह चरण प्रथम चरण है जो कि 8.2 सेकेंड तक चलेगा। इस दौरान इस चरण में 4,846 kilonewton का प्रणोद उत्पन्न होता है और वह प्रमोशन यान को 50 किलोमीटर की दूरी प्रदान करता है। It is 1:45 from launch and the altitude attained is 49 kilometers. At 51 kilometers. Stage separated, second stage engine started, close loop guidance initiated. Plus 2 minutes. प्रथम चरण पृथक कर दिया गया है यान से तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Second stage performance normal. You can see the flight events on your TV screens. The recent one has been the initiation of closed loop guidance and PS2 currently operating. जी हाँ, it is 2.5 minutes from the launch. द्वितीय चरण 150 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 80 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को 174 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा। इस चरण के दौरान दो मुख्य घटनाएं हो रही हैं। पेलोड फेयरिंग सेपरेटेड। अभी अभी आपने देखा ऊष्मा कवच पृथक हो चुका है यान से तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। अब इसका अर्थ है अब जायरोस्कोप और एक्सेलरोमीटर की मदद से अपनी दिशा निर्धारण कर रहा है। घने वातावरण से बाहर जाने की वजह से अब ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं है, इसलिए उसे पृथक कर दिया गया है। शार इन पोर्ट ब्लेयर स्टेशंस करंटली ट्रैकिंग द लॉन्च व्हीकल ट्रैजेक्टरी। The second stage of PSLV increases the velocity of ongoing launch vehicle from 1.4 kilometers per second to 4 kilometers per second. Plus 4 minutes. द्वितीय चरण का प्रदर्शन सामान्य। अब कुछ ही सेकंड्स में यह बंद हो पृथक किया जाएगा यान से। उसके तुरंत बाद ही तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। थर्ड स्टेज इग्नाइटेड। द सेकंड स्टेज हैज बीन सेपरेटेड एंड द थर्ड स्टेज कॉल्ड द PS3 हैज बिगन हिज ऑपरेशन। परफॉर्मेंस नॉर्मल। इट इज अ सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड मोटर।
It increases the relative velocity from 4 to 7.2 kilometers per second for the mission requirements. Thrust developed is 240 kilonewtons. PS-3 का प्रज्वलन काल 125 सेकेंड का होगा। इस दौरान यह 335 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। थर्ड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। तृतीय चरण के अंत तक यान की गति 7.259 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। थर्ड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। The total burn time for HPS-3 is 132 seconds. Plus 6 minutes. In this duration, it will add 60 kilometers to the altitude. अब कुछ ही क्षणों में PS-3 थर्ड स्टेज ऑप्शन कंप्लीटेड। जी हाँ, प्रज्वलन समाप्त हो चुका है HPS-3 का। व्हीकल इन कंबाइंड होस्टिंग फेज। अब यह कंबाइंड कोस्टिंग फेज पर है, जिसे हम PS-3 PS-4 कोस्टिंग फेज कहते हैं। यह फेज 200 सेकंड तक चलेगा। तत्पश्चात PS-3 को पृथक कर दिया जाएगा। प्लस 7 मिनट्स। अब हम 420 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई है 270 किलोमीटर। Now, though the third stage has completed its action, it continues to coast along with the fourth stage and the spacecraft. It will do so for the next 200 seconds, during which time there is 129 kilometers gain in the altitude. The coast phase exists while the rocket is 1000 to 2370 kilometers downrange from the launch port. Vehicle performance normal. Port Blair and Brunei stations tracking presently. Plus 8 minutes. यान के सभी तंत्र सामान्य काम करते हुए अपने उद्दिष्ट दिशा को पूरी तरह अनुसरण करता हुआ PSLV C53 Normal. There is no thrust being developed presently.